24 घंटे अपनी कार में रहने वाला हूँ। जल्दी बाहर आओ, लड़ाई होगी। और अब छोटी सी प्रॉब्लम आने लगी है, बहुत ही बुरे लगते हैं। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। अभी जो टाइम हो रहा है 4:20 हो चुके हैं सुबह का। सुबह 4 उठ गया था और आज का जो वीडियो है ना, ये डेली व्लॉग जैसे रहता है वैसे नहीं रहेगा। इसमें कुछ अलग है, कुछ अलग मैं करने वाला हूँ, जो कि अंश ने मुझे एक चैलेंज दिया है, वो मैंने एक्सेप्ट किया है। कार 24 चैलेंज, मतलब मैं 24 घंटे अपनी कार में रहने वाला हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ अलग रहेगा। और इसकी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, बस एक पानी की बोतल लेंगे और चल देंगे। और पानी से याद आया, सुबह ना मैं एक जग पानी पीता हूँ और वो मैंने पूरा जग पानी पी लिया। और अब याद आया यार, जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ज्यादा हमें जाना पड़ेगा, और कार में जाएंगे कैसे, तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा। देखेंगे क्या करेंगे। फिलहाल मैं वो काम कर लेता हूँ जो कि कार में नहीं कर सकता, एक नंबर दो नंबर नहाना सब कुछ कर लेता हूँ, जो कि फिर मैं पूरा दिन अच्छे से कार में रह सकूँ और जो ये चैलेंज लिया है ना ये पूरा कर सकूँ। ऐसा ना हो कि 12-10 घंटे बाद मैं थक जाऊँ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ना कर पाऊँ। बाकी देखते हैं, पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम चैलेंज कर पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल हम रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी नहा कर फिर आपको मिलते हैं। चलिए जी, मैं रेडी हो गया हूँ और मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए जिनसे मैं थोड़ा कंफर्ट रहूँ और पूरे दिन कार पर रह सकूँ। और अब जाना है मुझे अपने स्टूडियो, क्योंकि कार वहाँ पार्क है, अपनी कल्लो उधर पार्क है, तो पहले उसे ले लेते हैं। चलिए, अपनी कल्लो को बाहर निकाल लिया है और मैंने इंतजार किया कि थोड़ा रोशनी हो जाए तो वीडियो अच्छे से बनेगी। और अब हम इस पर पहला कदम रखते हैं अंदर और टाइम देखेंगे तो 7 बजने वाले हैं। और ये गया पहला कदम और ये दूसरा, और पहले कार बंद कर देते हैं। अब 24 घंटे में कार में ही रहूंगा, मतलब अभी 6:45 हो रहे हैं और कल सुबह 6:45 तक मुझे कार में ही रहना है। और कल सुबह 6:45 के बाद फिर सीधा ट्रिप पर निकल जाएंगे। और कार में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें कार को स्टार्ट नहीं करना है या कार को कहीं ले जा नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं चलते हैं बोर हो जाएंगे। और जाए कहाँ, वैसे तो इस टाइम हम जिम जाया करते थे लेकिन जिम के अंदर नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, जिम की तरफ चलते हैं, मनोज के और किसी को बुलाते हैं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि पूरा दिन कार में रहना और अकेले फोन के साथ तो बोर ही हो जाएंगे। तो पूरा दिन मैं किसी ना किसी दोस्त को बुलाता रहूंगा, उसको बुलाता रहूंगा, किसी ना किसी को बुलाते रहूंगा, जो कि टाइम पास हो जाए थोड़ा। और गाड़ी भी साफ करा लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, और गाड़ी भी साफ करा लेंगे बीच में, क्योंकि गंदी हो रही है थोड़ी। और काला कलर ना गंदा होता ही है, मतलब दिन में 2 साफ करना पड़ता है। अगर काला कलर ले तो ये सोच लेना कि आपको दिन में 2 साफ करनी है, और इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा रहती है व्हाइट कलर से। और अभी जिम आ गया हूँ, मनोज की कार ना बाहर पार्क है जिम के, तो वो अंदर ही है, तो उसको फोन कर पहले बाहर बुलाते हैं और फिर चलते हैं कहीं घूमने। आज इसको वर्कआउट नहीं करने देंगे। हेलो हेलो, कहाँ हो? मैं जिम। जल्दी बाहर आओ, लड़ाई होगी। क्या हो गया? लड़ाई होगी, जल्दी आओ जल्दी। कहाँ पर हो आप? जिम के बाहर, थोड़ा लेफ्ट हो गए, गाड़ी लगा रहा था, लड़ाई हो गई। आ जाओ। अभी देखना कितनी जल्दी आएगा वो। लड़ाई? हाँ, यही लड़ाई। तुम आए नहीं, मैं भाग गया हूँ। और क्या, मुझे पता कि लड़ाई हो नहीं सकती आप। सांस तो चढ़ रहा है तुम्हें। भाग क्या है? वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, और खाना था, किस्मत दिन खराब हो जाता है इसका। सुबह सुबह खराब हो जाती है। तुम्हें पता हम शरीफ बच्चे हैं। अंदर चलो। अंदर नहीं जा रहा मैं, आज मुझे कार में ही रहना है आज, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। तुम चलो कहीं घूम के आते हैं। तुम्हारा वर्कआउट खराब करूंगा मैं। आओ जल्दी आओ। नहीं, सही में नहीं जा रहा, कार में रहूंगा आज। मेरा वो है, चैलेंज लिया है मैंने, 24 कार में रहना है, इसीलिए बाहर नहीं। सब बुलाया था क्या आपने? हाँ, मैंने कहा अकेले क्या करूंगा मैं आज पूरा दिन, ऐसे आज सबको बुलाऊंगा, सबसे मिलूंगा। सीरियस होकर झूठ बोलते बिल्कुल है। हाँ, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या है? देखो, गिफ्ट है। देखो, गिफ्ट है क्या मेरे लिए? अच्छा जी, ये आपके एयरपोर्ट्स का है। ये मेरे एयरपोर्ट्स का कवर है, अभी निकाल के इसको लगाते हैं उस पर। आ जाओ अंदर ही आ जाओ। मन तो नहीं है इसके अंदर आने का, क्योंकि वर्कआउट नहीं हो पाएगा ना, चेहरे पर दिख रहा है। मैं जा नहीं सकता, नहीं मैं चल लेता बाहर। नहीं, वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। समझ गया, मैंने बोल दिया ये चीज। तुम कर लो, मैं थोड़ी देर कार में वेट करता हूँ, इसको लगाता हूँ उस पर, फिर आ जाओ, फिर कुछ खाने चलेंगे। वर्कआउट कर आओ तुम, फिर डाइट लेते हैं। चलो जी, कवर देखते हैं इतने कैसा है, बाकी अच्छा लग रहा है बाहर से भी काफी। आज अनबॉक्सिंग भी कार में ही होगी, छोटी छोटी अनबॉक्सिंग। मेरा एयरपोर्ट अच्छा लगेगा ये उस पर, और सेफ्टी भी रहेगी।
और जब तक मनोज नहीं आता मैं एयरपोर्ट पे ये कवर लगाता हूँ और उसको लगाकर कुछ गाने वाने सुनता हूँ, टाइम पास करता हूँ, क्योंकि जब तक मनोज नहीं आता मैं क्या करूंगा, तो यूट्यूब पर कुछ देखता हूँ और जब वो आता है फिर जब वीडियो बनाता हूँ। और टाइम आपको बता दूं, अभी टाइम हो गया है 8:15 हो गए हैं और अराउंड 9:30 बजे अब वो आएगा, 8:15 हो चुके हैं। तो 40-45 मिनट में कार में बैठे एयरपोर्ट पे गाने सुनता हूँ। और मनोज का वेट कर रहा था बैठे बैठे, कुछ ना कुछ देख रहा था, तो एक भैया सामने कार साफ कर रहे थे, मैंने कहा मेरी भी कार साफ कर दो, थोड़े बहुत पैसे ले लेना। तो अभी वो कार साफ कर रहे हैं, फिर हमारी जो कल्लो है वो चमक जाएगी, जिसको हम नहीं देख पाएंगे, बाहर से लोग देखेंगे, लेकिन भैया लगे हुए हैं। अब जल्दी जल्दी कार साफ करा कर मनोज आए, तो फिर चलते हैं थोड़ा घूम फिर के, तो कुछ खा पी कर आते हैं। कार भी साफ हो गई और अब मनोज को फोन कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना 7 हो गए। उसने कहा था 9 बजे तक आ जाऊंगा मैं एक्सरसाइज करके, तो उसको फोन करके पहले बुला। अरे आ ही गया, आ जाओ अंदर, आ जाओ उधर से। चलो फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं बोर हो रहा था, और बहुत आसान लगता है मतलब कि ना कार में बैठना ही तो है, लेकिन 1-2 घंटे बाद बोर भी होने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे बैक में पेन भी होता है। अभी तो स्टार्टिंग है, चले चलो बताओ। सुबह सुबह 9:15 हो रहे हैं, क्या मिलेगा इस टाइम? कुछ तो मिल ही जाएगा। लगा लो तुम। अच्छा था कवर, ये क्या लिया है आप? ये क्या सीट ही फोल्ड की हुई है, मैंने कल सीट फोल्ड की थी उसके बाद होनी नहीं, ये तो है वो चेयर, बस इसे ओपन करो और बैठ जाओ। दो चेयर अच्छा। है टेबल है, इस तरह का आइटम है ये, कहीं नई टेक्निक लेकर आया था अब तो यार। ये कुछ नया प्लान कर रहे हैं जो कि आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कल हम निकल रहे हैं ट्रिप पर, और इसको देखकर समझ सकते हो आप कि हम किस तरह की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर प्लान कर रहे हैं, कुछ अलग, हर बार से अलग करनी है वो। लेकिन सरप्राइज है, कहाँ जा रहे हो? हाँ ये से भी नहीं पता, पूछ रहा था ये कल चलोगे तो बात है, जाना तो तुम्हें नहीं, हम यही बैठे बैठे आपको ना देखेंगे ना वीडियो आपकी, वीडियो में उसी में पता लग जाएगा सारा टेम्परेचर कितना है। क्या खाएं? कुछ हेल्दी सा खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि जब आप खाली हो ना जब ज्यादा भूख लगती है, कुछ ना कुछ बिजी रहो करते रहो तो भूख नहीं लगती, लेकिन खाली बैठे ज्यादा भूख लगती है। और मैं उतरूंगा नहीं तो मैं कार में ही लाना पड़ेगा। देखो इनके मिल जाएगा, क्या क्या है, पकौड़े हैं, ब्रेड है, परांठे ले आओ, परांठे ले लो। हाँ खाओगे तुम? मैं तो नहीं खाऊंगा, थोड़ा बहुत खा लेता मेरे लिए आज, जाओ ले आओ तुम। सामने देखोगे तो वहाँ पर ब्रेड है, परांठे भी मिल जाते हैं। ठीक है ऑर्डर दे दिया मैंने, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है चलिए परांठे परांठे आते हैं, इतने मनोज और मैं बातें करते हैं। और ये आ गए हमारे परांठे, गर्मा गर्म परांठे ये खा लो। वो कह रहा है कि भाई सुबह सुबह पैकिंग का जुगाड़ नहीं है, तो यही खा लो या तो फिर अरे हमें खाना ही था, कोई नहीं हम ऐसे ही खा लेंगे, मस्त लग रहे हैं वैसे भी देखने में। लेकिन खाएगा कौन? ये मैं खाऊंगा भाई सुबह सुबह, थैंक यू परांठे खिलाने के लिए। बस इसे भी फोल्ड कर दो, मैं सीट ठीक नहीं हो रही, रुको रुको। ठीक है अब हाँ, मैंने सीट ठीक करा ली है मनोज से, क्योंकि मुझे तो उतरना पड़ेगा या कंफर्ट नहीं होगा। अब सीट ठीक हो गई है ना, मैं यहीं से पीछे चला जाऊंगा जब मुझे सोना होगा, क्योंकि अभी बैठे बैठे थोड़ा थक गया था, अब कमर सीधी करने के लिए पीछे भी जा सकता हूँ। और परांठे एक नंबर थे, मजा आ गया। चलिए मनोज गया, काफी देर हमने बातें की और फाइनली वो मुझसे पूछ कर ही गया कि मैं ट्रिप पर कहाँ जा रहा हूँ। और अभी टाइम ना 11:15 हो चुके हैं, तो मैंने प्लान बना लिया है, जो जो काम मैं कार में बैठे कर सकता हूँ ना वो कर लूँ। और अभी तक मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस एक प्रॉब्लम हो रही है जो सुबह पानी पिया था ना ज्यादा, तो बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम और मुझे लग भी नहीं रहा है कि इसके अलावा कुछ होगा, क्योंकि खा मैं कार में सकता हूँ और बाकी कुछ बड़ी प्रॉब्लम आनी नहीं है। जो पानी के अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है वो हम सुबह सुबह एक बार करते हैं, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। बाकी फिर भी देखते हैं पूरा दिन क्या क्या होगा, फिलहाल चलते हैं अपने काम जो मैंने सोचा है वो करने के लिए। और अभी तक मनोज था तो मनोज ने हेल्प कर दी खाने के लिए, कुछ भी लाना था, लेकिन अब जब मुझे भूख लगेगी लंच पे या कुछ, तो वो देखते हैं कैसे करना होगा। और मैं ये तो बताना ही भूल गया कि मैं जा कर रहा हूँ कार में, मुझे ना छुटपुट काम है, तो मैं कार में बैठ के वो काम करा सकता हूँ, मतलब इसका जो PPF कराया था हल्का, मुझे उसमें प्रॉब्लम लग रही है और 1-2 चीज है, तो पहले उससे ऊपर चलकर वो करा लेता हूँ और आपको भी दिखा देंगे। पाजी कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। एक तो PPF में ये थोड़ा दिखने लगा है यहाँ से,
एक दो जगह हल्के हल्के स्क्रैच आ गए, लग गई थी वो देख लो। और यहाँ भी ये लेमिनेशन कराई थी ना, ये भी हटने लगा। ये लेमिनेशन थी ना, उतार ये उतार दूं। मुझे लग रहा था ये खराब हो गई है, लेकिन ये खराब नहीं हुई थी। ये ऊपर एक और लेमिनेशन है, वो हट गई थी। ठीक है अब। और यहाँ पर ये लेमिनेशन मैंने इसलिए कराई थी क्योंकि सबसे पहले जो स्क्रैच आए थे ना, यहीं पर आए थे। और अब मैं भैया से क्या बोलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो बाहर कह रहे थे, मैंने कहा मैं कार में ही बैठा हूँ, आप काम कर लो। मैं ना रोज सुबह लिस्ट बनाता हूँ जो जो मुझे काम करने होता है, तो आज मैंने लिस्ट ही ऐसी बनाई जो काम मैं कार में बैठे कर सकता हूँ, जैसे कि ये, क्योंकि ये बहुत दिन से अटका हुआ था लेकिन अब फाइनली हो जाएगा। पाजी डोर वाइजर और वो लगा देना। और अब छोटी सी प्रॉब्लम आने लगी है, मतलब जो इमरजेंसी कॉल है वो आने लगी है, और पानी की प्यास भी लग रही है। लेकिन पानी पीऊंगा और नीचे से कॉल आ रही है, तो दोनों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाजी से कैसे बोलूं पानी ला दो, वो भी थोड़ा अजीब लगेगा, कहेंगे खुद उतर के नहीं ले सकता, ऑर्डर कर रहा है। क्या बताऊं इन्हें कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। हुआ ये था कि मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मतलब सारी क्या कुछ नहीं, लेकिन ये था कि पानी की बोतल लेके जाऊंगा, याद था सुबह, लेकिन लाने ही भूल गया। मोबाइल वोबाइल सब फुल चार्ज कर लिए थे और वायर भी साथ लेकर आ गया, लेकिन पानी लाने ही भूल गया। और इधर हो रही है हमारी PPF दोबारा, क्योंकि ये यहाँ से हल्की सी खराब हो गई थी। और इधर लग रहे हैं डोर वाइजर, इस वाले गेट पे लग भी गया है और ये अभी लगने हैं। और डोर वाइजर क्यों लगवा रहा हूँ ये अभी आपको लगवाने के बाद बताता हूँ। हमारा रीज़न वो नहीं है जो रीज़न सब लगाते हैं, वैसे तो मुझे अच्छे भी नहीं लगते, थोड़ा लुक खराब कर देते हैं, लेकिन रीज़न कुछ और है। और इधर अभी भी काम चल रहा है, और टाइम देखोगे ना तो टाइम 2:15 होने जा रहे हैं, और अभी मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा, आधा दिन तो यहीं निकल जाएगा लग रहा है। और लास्ट वीडियो जो आपने देखी उसके बाद भी आधा घंटा हो गया, तो मैंने सोचा टाइम पास क्या करूं, कितना मोबाइल देखूंगा, कितना मोबाइल। और बाहर कार हो रहा है तो मन में हो रहा है कि जाकर देखूं, लेकिन मैं ही नहीं देख पा रहा, तो आप लोगों को क्या दिखाऊं। वीडियो एडिट कर लेता हूं, उससे थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और अपनी वीडियो एडिट हो जाएगी, फिर इसको अपलोड कर देंगे कल। चलो जी, फाइनली हमारा काम हो गया। ओके पाजी, धन्यवाद, बाय। अब सबसे पहले कुछ खाऊंगा यार, भूख लग रही है बहुत तेज, बहुत ही तेज भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, और उससे बड़ा टास्क है कि रेस्टोरेंट है, सब अंदर रहते हैं, बाहर कैसे बुलाऊं ऑर्डर देने के लिए, तो बुलाना पड़ेगा ना। अब तो मेरे साथ मनोज भी नहीं है, ऊपर से यहाँ ट्रैफिक इतना रहता है। चलिए एक रेस्टोरेंट तो मिल गया है, लेकिन बाहर कैसे बुलाऊं, सब अंदर है, बाहर कैसे बुलाऊं इनको। भैया अंदर से बुला देंगे भैया एक बार, आपके पास जो अच्छा हो ना खाने के लिए वो ले आओ। थैंक यू भैया। और ये मैंने पैक ही करा लिया। चलिए बाहर रोड पर आ गया हूँ, रोड खुला है, अब परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हॉर्न बजा बजा के तंग कर दिया था। और सैनिटाइज कर लेते हैं पहले, वैसे तो मैं कार से उतरा नहीं, किसी से मिला नहीं, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। और ये आ गया हमारा आज का लंच, और लंच हम कर किस टाइम रहे हैं ये देखो, 4 बजने वाले हैं, पूरे 4 बजे हम लंच कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सो भी है, काम चला लेते हैं। और मुझे तो लंच से ज़्यादा ये डर लग रहा है, भूख लग रही थी तो ले लिया, कि खाने के बाद प्रेशर बन गया कुछ, क्योंकि अभी तक तो मैंने कंट्रोल किया हुआ है, जो मतलब कंट्रोल किसको किया हुआ है, एक ये वाली इमरजेंसी, ये ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सुबह पानी बहुत पी लिया था मैंने, हालांकि उसके बाद अभी तक पानी नहीं पिया है, और पानी लेना भूल गया, पानी ज़रूरी है क्योंकि गला सूख रहा है। अब इसको खाता हूँ और फिर अंश को बुलाऊँगा, वो पानी भी लेकर आ जाएगा, और वियान से भी मिलने का मन है तो उसको भी कार में बुला लूँ शायद, देखते हैं। मम्मी वैसे भेजती नहीं है उसको बाहर, खोलती क्या खुशबू आई है। देखो इजी लगता है कि कार में रहना है इजी है, लेकिन इजी नहीं है। अगर यही अगर मैं कार में ना रह रहा होता, आराम से रेस्टोरेंट में वहीं बैठकर खाता आराम से अंदर, और मुझे इतना ताम झमेला नहीं करना पड़ता, कुछ खोलना नहीं पड़ता, आराम से अंदर मुझे प्लेट में मिलता, अब ऐसे ही खाना होगा। और खाने के लिए टूथपिक नहीं है, लेकिन एक यहाँ जो बिल आया ना उस पर लगाई हुई है, तो इसको निकाल लेता हूँ, इससे खा लेता हूँ। सुबह मैंने 9-10 बजे खाया था, और उसके बाद 4 बजे खा रहा हूँ सीधा। सही है, थोड़ा कम ही खाऊंगा आज, कम खाऊंगा जब भी, तो प्रेशर नहीं बनेगा ना। चलिए लंच हो गया, लंच कर मजा आ गया, लेकिन पसीने पसीने हो गए, मतलब वैसे तो सर्दी लगती है सुबह, आज पता नहीं गर्मी कैसे लग रही है, या तो कार में बैठे बैठे, क्योंकि वैसे क्या रहता था बाहर अंदर करता रहता था। और ये जो चैलेंज है ना, अभी थोड़ा सा और कर लो, फिर इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और अभी ना मैं अंश को कॉल करके बुला लेता हूँ, क्योंकि घर के पास मैं आ गया हूँ, तो उसको नीचे बुला लेता हूँ और कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ कि वियान को लेकर आ जाए। हेलो हेलो, हाँ जी अंश जी, आज हमारा चल रहा है कार 24 चैलेंज। अच्छा, करने का क्या?
हाँ कर लिया, स्कूल से आ गया। एक काम कर, नीचे आ जा और पॉसिबल हो तो वियान को लिया, नहीं तो आ जा तू, आ जा। कोई ना कोई चाहिए टाइम पास करने वाला, हमारा टाइम पास करने वाला। चलिए जी घर के नीचे। लो जी मैं बोल ही रहा था घर के नीचे आ गया, अंश नहीं आया और अंश आ गया। आ जा, खुल गया। आपका खाना और ये आपका कोरियर आया था। कोरियर आया था, इसको तो देख लेंगे, लेकिन खाना नहीं खा रहा मैं, खा कर आया हूँ अभी। किसने, मम्मी ने भेजा है? हाँ। फोन आया था, पूछ रही थी, मैंने कहा कार में ही रहूंगा आज के, ये कौन सा पागल बने ने, यहाँ कार में ही रहूंगा। तू कहाँ जा रहा है? आ ना बैठ यार, कहाँ जा रहा है? गाड़ी चाड़ी चला ना, गाड़ी मेरे को थोड़ी। सबसे अच्छा ये है कि गाड़ी चलानी है, चलानी ना हो ना भाई साहब बोर हो जाए, क्योंकि मेरे जैसे बंदा तो भाई नहीं रह सकता। मैंने देख लिया, मैं एक दो घंटे कहीं टिक के नहीं बैठ सकता, मुझे चाहिए फिजिकल घूमना फिरना, ये मेरे बस की नहीं, एक जगह टिक कर बैठना। और कार खड़ी करके 24 चैलेंज करना होता फिर मैं नहीं कर पाता, 24 आवर्स चैलेंज करना ना, वो नहीं होता, वो नहीं होता। कल आया खाने के लिए, पता नहीं बड़ी दोबारा खा लेंगे जो दिया है, लेकिन किस में खाऊंगा पता नहीं, बड़ी मां ने दिया जो दिया मेरे को नहीं पता कुछ भी। देखो लाया किस में, खाली टिफिन में खा लो, मम्मी देखो बोरी टिफिन में खा लो, क्या खाली देखो डोली में हमारे बर्तन आ रहे हैं। ले आया प्लेट दिया तो, प्लेट दिया। अब बाद में उन्हें समझ आ गया, हम बोल ही रहे थे उन्हें समझ आ गया। और सनरूफ के फायदे देख लो, हम घर को यहीं से देख सकते हैं मम्मी पापा को। पहली बात तो सब घूर रहे हैं आस पड़ोस के, तो पहले यहाँ से चलते हैं, कहीं और चल के खाऊंगा नहीं, लोग कहेंगे क्या हो गया इसे। वैसे ही पापा ने तो मुझे पागल ही घोषित किया हुआ है। पता यार पागलपंथी भी जरूरी है लाइफ में, जब ही तो एंजॉय जीना आता, कुछ अलग एक्सपीरियंस होता, क्यों? चलो कमेंट्स करके बता दो मेरी पागलपंती समझ आती है नहीं आती। और घर से थोड़ा सा दूर एक जगह है, वहां पे बेल्ट लगा, पहले टू टू देख कितनी आवाज आ रही है, गंदे बच्चे। तो घर के पास ही एक जगह है, वहां आ गया हूँ, क्योंकि कोई मिले ना, और यहाँ पर बैठ के आराम से खाना वाना खा लेंगे, लोग देखेंगे तो पागल घोषित करेंगे, इसलिए यही लगा लेता हूँ। लो जी एक बंदा तो आ गया देख के, अभी तो वैसे ही खड़े हम। अरे वो सब्सक्राइबर्स मिलते रहते हैं हमें तो, नो कैमरा सर, आप तो लगी वैसे की वीडियो में आते हैं। यस यस यस, मैं वही हूं। बहुत ही बुरे लगते हैं आप। जाइए यहां से, आप जाइए। हां अभी तो कहीं नहीं जा रहे, यहीं खड़े हैं, वैसे ही आ गए थे टाइम पास कर दे, घर पे हो नहीं रहा था टाइम पास, हमने कहा यहीं कर ले। पागलपंती भी जरूरी है। जानना चाह रहा क्या कर रहे हैं, जान के तो रहूंगा क्या कर रहे हैं यहां खड़े। चले जी भाई, टाटा सी यू। ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या आपको? ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या आपको? ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, हमारे पास फोटो रखी हुई है। फोटो नहीं क्या? ओके। देख लो जी अब क्या बताएं लोगों को हम क्यों कार में बैठे हैं। वीडियो ही देख लेंगे। देखो हर किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूं। और दूसरा मुझे गर्मी पता नहीं क्यों लग रही है, या तो रीजन यही लग रहा है कि आज है तो फिर ठीक है। मेरे को ये लगा कि जैसे कार में बैठता हूँ निकलता रहता हूँ तो इतना महसूस नहीं होता, सुबह से कार में ना इसलिए। अरे नहीं मैं स्कूल गया था सुबह 9 बजे, जब भी मुझे गर्मी लग रही थी। तुझे क्या लगता है 24 आवर्स चैलेंज इजी है या नहीं? इजी भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, ठीक ठाक है, हो जाएगा। मुझे भी आसान लग रहा था, हो जाएगा, लेकिन जब सब कुछ ठीक है एक नंबर आता है ना तो कंट्रोल नहीं होता। अब तुझे ये खाना खाने के बाद पता क्या करना है, खलाए तो जा रहे हो, निकालने के लिए भी कुछ चाहिए, तो एक खाली बोतल लेके आई हो पानी की। बहुत हो गया, बहुत रोक लिया मैंने, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। खाली जगह है, मैंने यहाँ आकर लगाया और यहाँ भी देखो आ ही गए। और देख मैंने कार में काम करवा के आया हूँ, काम दिख रहा है तेरे को क्या क्या करा है? ये पता क्यों करा है? हाँ, जैसे बारिश होती है अंदर ना है। इसलिए नहीं, मेरे को पता था ये सोच चुकी है, इसलिए कि देखो मैंने मिरर खोल दिया, अंदर बैठे हैं इतना, अब ये बाहर से नहीं पता चलेगा किसी को मिरर खुला हुआ है। और सफोकेशन है जो कार की, बाहर चली जाएगी, चारों विंडो को इसी तरह खोल दूंगा, बाहर से लगेगा लोग है नहीं तो, इतने इतने ओपन होते हैं तो लोग झांकते अंदर, इससे सफोकेशन बाहर जाती रहेगी, तो कार में मुझे रात को सोना है कुछ करना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, समझा? इसमें मेरे को लगता है कंफर्ट रहेगा, सीट लेट के ना आराम से जुगाड़ हो जाता है। और आपने लास्ट वीडियो देखी ना जो मैं चेयर कुर्सी लाया था, उससे सोचो हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या एडवेंचर करेंगे, नहीं? और ये जा रहा है, चलो ये बता दिया आज की वीडियो में कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे, और किस पर जा रहे हैं। जाइए राजा, इसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है, ये हैप्पी डेंट है। अब एक काम कर, मैंने बहुत यहाँ बैठे बैठे ना मेरी कमर में और मेरे घुटनों में, क्योंकि पैर सीधे नहीं हो रहे हैं। अरे पिज्जा की लेट जाओ, मैं चला लेता हूँ। ये चलाने की लगी रहती, सीट फोल्ड कर पीछे की, पीछे बैठता हूँ। हाँ। और सनरूफ ओपन कर देते हैं, थोड़ा हवा आ जाए, पसीने आ रहे हैं। हाँ। और उसके बाद ना सनरूफ से बाहर भी खड़ा हो जाऊंगा, पैर सीधे हो जाएंगे थोड़ा। पहले पीछे का प्रोग्राम सेट कर दे, इसको रख दे नीचे, डिनर टेबल लगा दे, डिनर ही हो रहा है, मैं कर चुका हूँ लंच, कर चुका हूँ, पेट फुल है, वैसे ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन डिनर में क्या करूंगी, ब्रेकफास्ट।
डिनर में क्या करोगे ब्रेकफास्ट? पता नहीं क्या होगा। और बीच में अगर आपने क्या कर दिया कि अब नहीं हो रहा मेरे से फिर? नहीं नहीं कर लूंगा, एक ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुई। देखा अभी घुटने में और कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, वो मैं अभी सनरूफ से बाहर निकल जाऊंगा, सीधा खड़ा रहूंगा 10-15 मिनट, ठीक हो जाएगा। और बाकी बस ये जो प्रॉब्लम होगी ना शुशु की, तो ये अभी तू बोतल ला के देगा मुझे एक खाली, ठीक है? कल डीकैथलॉन गया था, कैप ली थी, ये इसी में पड़ी है। नहीं कैप ये मेरी है, ट्रिप पर पहनो। अरे तो मेरी है, काम कर। रिपोर्ट, ये हमारा बेड बन गया, वैसे गद्दा नहीं है, गद्दे का जुगाड़ कर भी रात के लिए मेरे। और ये नया वाला वो निकालियो, इसकी अनबॉक्सिंग कर ये? हाँ, इस पे खाना खाऊंगा रख कर अभी। क्या ये टेबल? हाँ, हटा दे उसको। देख लो भाई, इतना आसान नहीं है कंटेंट बनाना आपके लिए, तो प्लीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट्स, और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप कमेंट्स करोगे तो और लोगों को भी दिखेगा यूट्यूब पर। ये हो गया, चलो बंद हो गया। लोग कैसे हो गए? लोग ये उठाना क्यों है? ओए होए होए होए, हवा लगी थोड़ी बहुत, मजा आ गया, थोड़ा पसीने वसीने सूखे। अब बेल्ट हटाते हैं, बेल्ट क्यों लगा के बैठे हैं? अंश, अब मुझे पीछे जाना है। सीट पीछे हो सकती है? हाँ हो जाएगी, बस ये सनरूफ का फायदा है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरी हाइट 6'3" है, मतलब 6'3" से थोड़ी सी कम है, और उसकी वजह से, हाइट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटे आदमी के लिए आसान है, तुम जैसों के लिए। एक तो गलती करी शूज़ पहन के, मैंने तैयारी नहीं करी, ना कोई वीडियो देखी, ना कुछ तैयारी कुछ करी नहीं। आधे बाहर आधे अंदर। ओह, आनंद आ गया, मजा आ गया, घुटने सीधे। सुबह कितने बजे बैठा था मैं? 6:45 वीडियो में देख लेंगे। और जब से अब कमर सीधी हुई और घुटने सीधे हुए हैं मेरे भाई, तेरी सख्त जरूरत थी मुझे। इतना ना बैठे बैठे फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब बाहर खड़ा हुआ हूँ ना, अब ज्यादा फील हुआ है भाई। बहुत मुश्किल है, लगता आसान है, करके देखना एक बार। हम तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो मत बनाना, एक बार वैसे ही करके देखना चैलेंज, कार में हालत खराब हो जाएगी। इधर भी लोग देखने लगे कर क्या रहे हैं ये। थोड़ी देर खाना वाना खाते हैं, 5-10 मिनट में खड़ा रहता हूँ, फिर खाने का सेटअप लगाते हैं, फिर वीडियो ऑन करते हैं। चलिए, सेटअप पूरा पीछे कर दिया, और जो हमारा टेबल था ना ये कल लिया था हमने, आने वाली ट्रिप के लिए हमारा आज ही यूज हो रहा है। खाना वाना पूरा प्रॉपर लगा दिया है, अंश वीडियो बना रहा है आगे से, और सच बता रहा हूँ यहाँ बैठकर कंफर्ट लग रहा है। जब से वहां बैठा था थोड़ा हो गया था कमर वमर में दर्द, लेकिन कमर भी सीधी कर ली है, और यहाँ कंफर्ट लग रहा है, मतलब मन कर रहा है थोड़ी देर सो ही जाऊंगा मैं। अंश एक काम करियो, मैं सो जाऊंगा, तू कार घुमाता रहियो इधर उधर। हाँ, और खाने में तो दिखा दे मम्मी ने क्या बना कर दिया है। ये है मिक्स वेज, और इधर दही, और इधर घिया की सब्जी और रोटी। आज तो फुल, मतलब खाना तो टेस्टी है लेकिन पेट में जगह नहीं है, क्योंकि मैं अभी मुश्किल से 1 घंटे पहले ही खाया मैंने। अब मैं डिनर नहीं खाऊंगा, लेकिन डिनर ही है, 5:30 बज चुके हैं, 5:30 बजे डिनर हो रहा है। और अभी का सीन ये है, हंस कह रहा है मुझे थोड़ी सी कार चलाने दो, तो ये कार चला रहा है और मैं पीछे बैठ के थोड़ा आराम कर लूंगा, और मेरा मन कर रहा है विहान से मिलने का, तो ये नीचे ले आएगा ना, ये नीचे ले आएगा, मैं कार में उससे मिल लूंगा। अरे भाई साहब, ये नया बंदा ब्रेक की गलती बहुत करता है, खड़ी ब्रेक मारता है, पहले तो उस लेग्स को हटा बिल्कुल, वही यूज कर रहा है फिर भी, तो रहने दे मैं ही चला रहा हूँ। चलाता तो हूँ, लेग्स को उसको यूज ही मत कर अभी, खड़ी ब्रेक तो कितना मारा तुमने। अरे वो गलती से लग गई थी, छुट्टी वाला आ गया था, विहान से मिलने का मन कर रहा है, तो उसको लिया कार में मिला के थोड़ी देर। और अभी यहाँ पर जब खाना खा रहा था ना, 3 लोग जानकार दिख गए थे, तो अब वैसे मैं घर के पास भी नहीं रुकने वाला हूँ, यहाँ कोई ना कोई जानकार मिलता रहेगा। शादी हो रही है, और लड़का वैसे कार बढ़िया चलाने लगा है, आता सही है, बस एक ब्रेक मारता है, वो भी स्टार्टिंग में ही मारता है, जब कार चलाता चलाता है ना, फिर इसकी सेटिंग हो जाती है शायद। और सनरूफ से तो बाहर मजा ही आ रहा है, पीछे वाली सीट फोल्ड करके तो मेरा सर ही बाहर आ रहा है इससे, और मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ पीछे वाली सीट फोल्ड करके, और पूरा सर मेरा बाहर आ रहा है। जय, यहीं लगा दे और जल्दी लेकर आ जा। और घर के नीचे आ गए हैं, और अंश गया है विहान को लेने। इतने आपसे 2 बात कर लेता हूँ, जो ये मैंने आज वीडियो बनाई है ना, बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ही ज्यादा बड़ी, या तो इसको फिर मैं 2 पार्ट में करूंगा, या फिर बहुत इसमें कट हटाना पड़ेगा जब जाके ये छोटी होगी, कि वीडियो मैं छोटी ही डालता हूँ अपने चैनल पर, 10-12 मिनट 8 मिनट की डालता हूँ, लेकिन जो डेली व्लॉग होता है ना उसमें हम छटाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक पल पल की खबर देनी है तो इसमें ज्यादा छटाई भी नहीं कर सकते, तो या तो थोड़ी सी बड़ी हो तो देख लेना, या 2 पार्ट में हो तो वो भी देख लेना। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, इधर से हमारा घर भी दिख रहा है, लेकिन आ ही नहीं रही। आ गया विहान आ गया।